देश में वधु एक एरलाइन्स बंद थवाना एंधाण सामे आव्या छे। गो फर्स्ट एरलाइन्स बंद थवाना एंधाण छे, त्यारे गो फर्स्ट नी तमाम फ्लाइटो 3 दिवस माटे बंद करवामां आवी छे। एंजिन उपलब्ध न होवानुं जणावीने फ्लाइटो रद्द कराई, त्यारे मुसाफरोने पूर्ण रिफंड आपवानी पण कंपनी द्वारा जाहेरात करवामां आवी छे। डीजीसीए द्वारा कंपनी ने सोकोज नोटिस फटकाराशे, त्यारे गईकाले सांजे मुंबई जता प्लेन ने सूरत में डायवर्ट करवामां आव्युं हतुं। 4 कलाक सुधी पेसेंजर्स सूरत एरपोर्ट पर रजड़ा और त्यारबाद एरलाइन्से व्यवस्था करी, परंतु पेसेंजर्स ने मुंबई पहुंचाड़वामां आव्या छे। अगाउ पण फरसा में गयेली अने अनेक एरलाइन्स बंद थई चूकी छे, त्यारे फरी एक वक्त आ प्रकारनी जाहेरात करवामां आवी छे। गो एर बंद थवाना एंधाण सामे आवी रह्या छे। सुबह 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इतनी परेशानियां हो रही हैं। इतने जरूरी काम थे हमारे, वो सारे के सारे रुक गए। फ्लाइट वालों को कम से कम सोचना चाहिए, सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। अभी इंसिडेंट ये हाइट इसमें ये है कि 3rd को जब हम जा रहे हैं तो गो एयर कह रहा है कि मेरी फ्लाइट चल नहीं रही है और आपको अगर लेना है तो आप पूरा रिफंड ले लो, वी डोंट केयर। मेक माई ट्रिप कह रहा है कि मेरी साइड चल नहीं रही है हम, और हम आपका स्पाइस जेट वाला कह रहा है कि हम आपकी पूरी पेनल्टी काटेंगे, जो 80% आपने पेमेंट दिया है, क्योंकि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं आया हूँ श्रीनगर से, मतलब श्रीनगर से मुंबई। ओके, हमारी फ्लाइट थी गो फर्स्ट की और वो फ्लाइट स्टार्ट हुई 3:05 पर। ओके, इट वॉज ऑलरेडी 10 मिनट डिलेड एंड वो 5:15 तक यहाँ पे आई थी, बट ड्यू टू मतलब कि मेंटेनेंस वर्क की वजह से उनको माइट बी देयर कुछ इश्यूज थे। तो कम से कम 1 घंटे के बजाय कम से कम 4.5 घंटा लेट किया, इससे तकलीफ आ गई, क्योंकि हमें भी आगे जाना है, हमें भी आगे का प्रोग्राम है, बच्चे है हमारे। ये तकलीफ वो लोग नहीं समझते, ये कंपनी वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी देनी चाहिए ना, इसके आगे सुन के क्या बोलते हैं आप, नुकसान भरपाई डिमांड करना।